हेलो एवरीवन, आज वाली वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं न्यू ब्रेजा वर्सेस ओल्ड ब्रेजा। यहाँ पर मैं ओल्ड ब्रेजा को एज अ अर्बन क्रूजर ही लेके चल रहा हूँ। अब अगर फ्रंट साइड से अगर डिज़ाइन की बात करें तो नई वाली ब्रेजा को और ज़्यादा बॉक्सी बना दी है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक्स दे रहा है। वेयर एज अगर पुरानी वाली की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, सोबर और स्लीक लुक देती थी। एंड अब नई वाली ब्रेजा के अंदर आपको अच्छी खासी क्लैडिंग मिल जाती है, जो कि इसको और ज़्यादा एसयूवी और रगेड वाली फील देती है। अब हम साइड से कंपेयर करें पुरानी और नई ब्रेजा को, तो आपको नई ब्रेजा के अंदर काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास मिल जाता है, जो कि इसको और ज़्यादा एरी फील देता है। ORVMs की बात करें तो उनका सेम ही डिज़ाइन रहेगा, बस उसके नीचे आपको अब 360 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाता है। रूफ से बात करें तो अब पुराने एंटीना की जगह आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड फाइनली अब मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाता है। साथ ही साथ जैसे कि आपको पुरानी ब्रेजा के अंदर काफ़ी सारे ड्यूअल टोन ऑप्शंस मिल जाते थे, वो अभी भी कंटिन्यू रखे गए हैं। अब रियर से बात करें तो रियर से तो ये बिल्कुल ही चेंज लगती है। अब इसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट स्टाइल टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि इसका रियर से डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देते हैं। रही बात क्लैडिंग की, तो इसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर क्लैडिंग मिल जाती है, जो कि इसके रियर स्टांस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। अब अगर इंजन की बात करें तो वो आपको सेम ही मिलेगा, जो कि रहेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है। वेरियंट्स की बात करें तो आपको इसके अंदर 4 वेरियंट्स मिल जाएंगे, LXi, VXi, ZXi, NZXi प्लस वेरियंट। एंड अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, अभी आपको 8 लाख टू 14 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। एंड अब अगर हम बात करें इंटीरियर से तो ये फुली चेंज मिलेगा आपको। इसके अंदर अब आपको फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि 9 इंचेस का रहेगा, एंड पहले आपको 7 इंचेस का मिला करता था। साथ ही साथ इसके अंदर अब आपको अर्टिका वाला ही स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जो कि फ्लैट बॉटम रहेगा। एंड इसके अंदर आपको ब्लैक और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है इसके इंटीरियर को। रूफ से बात करें तो इसके अंदर अब आपकी सनरूफ ऐड हो गई है, साथ ही साथ हेड्स अप डिस्प्ले एंड 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड रियर से बात करें तो अब आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाती हैं, जो कि आपको पुरानी ब्रेजा के अंदर नहीं मिला करते थे। ओवरऑल हम देखें तो ब्रेजा के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, ताकि वो अपने राइवल से अच्छी तरह कम्पीट कर पाए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।